चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर समोसे में निकली मेढक की टांग। नामचीन स्वीट शॉप पर हंगामा। फूड विभाग ने सैंपल ले लिए हैं जांच के लिए। पुलिस हिरासत में है दुकानदार। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें गाजियाबाद से, जहां पर एक नामचीन दुकान जहां के समोसे में मेढक की टांग निकली है। नामचीन स्वीट शॉप और अब वहां हंगामा देखा जा रहा है। फूड विभाग मौके पर पहुंचा, सैंपल लिए और इसके साथ ही दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि दुकान बड़ी है तो जो आप खाने को लेंगे वहां पर हाइजीन वाला सामान ही आपको मिलेगा। ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जानी मानी दुकान नामचीन नाम, और ऐसे में वहां समोसे में मेढक की टांग। हालांकि फूड विभाग मौके पर पहुंचा, सैंपल ले लिए गए हैं, पुलिस हिरासत में है दुकानदार, लेकिन लोगों का हंगामा देखा जा रहा है जिस तरीके से समोसे में मेढक की टांग निकली है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि ऊंची दुकान फीके पकवान, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं समझ गए होंगे देखकर कि एक नामचीन दुकान है बीकानेर स्वीट्स करके, और उसमें ये समोसा जिसमें मेढक की टांग निकली है। हिमांशु हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। हिमांशु, देखिए नाम देखकर ही समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी दुकान है, और कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि नाम देखकर खाने का सामान खरीद लेते हैं कि जाहिर तौर पर यहाँ तो साफ सुथरा खाना होगा, हाइजीन मेंटेन होगा और अच्छा खाना होगा, टेस्टी होगा, लेकिन समोसे में मेढक की टांग निकलना अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है और साथ ही जो ग्राहक है उनके विश्वास के साथ बड़ा धोखा है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है, नाम बेशक दुकान का काफी बड़ा था और यही वजह है कि नाम बड़े होने की वजह से लोगों का विश्वास रहता है कि अच्छा सामान वहां पर मिलेगा और सामान खरीदने के लिए भी जाते हैं। लेकिन जिस तरह से समोसे के अंदर मेढक की टांग निकलने का ये वीडियो सामने आया है तो इस पर तमाम सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। एक बात तो ये भी निकलकर सामने आ रही कि वाकई क्या ये समोसे के अंदर मेढक की टांग रही थी या फिर डाली गई थी, इस पर भी एक सवाल अभी बना हुआ है। यही वजह है कि जो सैंपल है उस जो जांच टीम आई थी वो इसको सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसे भेज दिया गया है ताकि ये पता कर सकें कि जब समोसा बन रहा था तो तब उस समय भी ये मेढक की टांग उसके अंदर थी या नहीं थी। कई बार ऐसा होता है ग्राहक जानबूझ कर दुकान को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की हरकत करते हैं, तो पुलिस का इस दोनों तरफ ही ये बयान सामने आया है, उसमें पूरी जांच की जाएगी और जांच में कोई भी खामी पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दुकान मालिक है उनको पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ जरूर की है और बाकी जो दुकान पर अन्य सामान बन रहा था उनकी भी सैंपलिंग कलेक्ट की कराई गई है और खाद्य विभाग की जो टीम है उन्होंने उनको जाँच के लिए भेज दिया है। देखना होगा जाँच रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर इस तरह का मामला आता है तो बाकी ये गंभीर बात है और ये सोचने वाली बात है कि जितनी बड़ी दुकानें होती हैं वहां पर इस तरह की अगर खामियां पाई जाएंगी तो कहां पर विश्वास करे आदमी, कहां पर जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। महाराजगंज से बड़ी खबर, जहां पर कस्टम विभाग की बड़ी छापेमारी, 2.5 टन लाल चंदन बरामद किया गया है। जब्त चंदन की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।